गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। टुडे वी विल रीड एंड अंडरस्टैंड GK यूनिट फर्स्ट चैप्टर 1 माय बॉडी। सो लेट्स स्टार्ट। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, साइंस में रीड करते हैं ना EVS में आप लोग, कि हमारे जो बॉडी है वो डिफरेंट ऑर्गन्स से बनी होती है। दे ऑल वर्क कोऑर्डिनेशन, वो एक साथ मिलकर काम करते हैं सभी। दे ऑल हैव डिफरेंट फंक्शन टू डू, वो कोऑर्डिनेशन में तो काम करते हैं बट उनके जो फंक्शंस हैं सभी के डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। फाइंड द आंसर इन द वर्ड ग्रिड गिवन ऑन नेक्स्ट पेज एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स, आपके जो चैप्टर दिया है इसमें आपके नेक्स्ट पेज पे वर्ड ग्रिड दी हुई है, वेब जैसा बना के दिया हुआ है, जाल जैसा वर्ड्स का। उनमें से आपको वर्ड स्पेलिंग्स को पहले तो उनको आइडेंटिफाई करनी है, फाइंड करनी है, फिर उनको ब्लैंक्स में फिल करना है। बट हम इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा। हम लोग क्या करेंगे, जो ये ब्लैंक्स दिए हैं इनको मैं आपको एक्सप्लेन करके खुद फिल करवा दूंगी आपको, तो आप ब्लैंक्स में तो फिल कर लेंगे बट जो वर्ड ग्रिड दिए उसमें आप वर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे, सेल्फ फाइंड आउट करेंगे, तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा ना, कि आपको पता रहेगा, नहीं तो आपको स्पेलिंग्स को ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। तो हम इसको ट्विस्ट कर देते हैं, ब्लैंक्स में मैं फिल करवा देती हूँ आप लोगों को और वर्ड ग्रिड आप सेल्फ करेंगे, क्योंकि उनमें जो वर्ड ग्रिड में जो स्पेलिंग्स हैं वो यही वाली है जो ब्लैंक्स में है, तो वो वाली फिल करनी है। जब लास्ट में उसका आएगा वर्ड ग्रिड का, तब मैं आपको इसको एक बार और बता दूंगी किस तरीके से करना है। ऑल राइट स्टूडेंट, सो अभी पहले हम ब्लैंक्स देखते हैं। फर्स्ट है, पिक्चर्स भी शो की हुई हैं आपको हेल्प के लिए, तो हम पिक्चर्स से हेल्प लेके बता देते हैं इनको ना। फर्स्ट वाला, द डैश हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट मैटर्स, कि क्या चीज़ है जो वेस्ट को, जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट भी तो होता है ना, स्टमक, हम जो बहुत सारा कुछ खाते पीते हैं तो सभी कुछ तो डाइजेस्ट नहीं हो जाता ना, कुछ अनडाइजेस्ट पार्ट भी होते हैं और उनका हमारी बॉडी से रिमूव होना भी कंपलसरी होता है। तो वो किसकी हेल्प से रिमूव होते हैं स्टूडेंट्स, किडनी की। तो फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें हम किडनी लिखेंगे, स्पेलिंग होती है किडनी की KIDNEY। ऑल राइट, सेकेंड है हमारा, ब्लड इज पम्प्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय डैश, कि ऑल पार्ट्स जो है हमारे बॉडी के उसमें ब्लड जो पंप होता है किसके थ्रू होता है, उस डैश में। और आपको पिक भी दे रखी है, आप इससे अंडरस्टैंड कर लेंगे ये किसके पिक है, हार्ट की। तो हार्ट की स्पेलिंग लिखेंगे हम सेकेंड वाले में HEART, हार्ट। इसमें कैसे पहुँचता है, थ्रू द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं और उसके थ्रू ही हमारे और पार्ट्स में पहुंचता है ब्लड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थर्ड पिक, आप पिक से ही समझ गए होंगे कि क्या है, डैश हेल्प अस टू टेस्ट फूड। फूड किसके थ्रू टेस्ट करते हैं, हम टंग, स्पेलिंग होती है स्टूडेंट्स इसकी TONGUE, टंग। फोर्थ, द डैश हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट अवर फूड, फूड को डाइजेस्ट होने में कौन हेल्प करता है, कहाँ पर डाइजेस्ट होता है हमारा फूड, स्टमक में। स्पेलिंग होती है इसकी STOMACH, स्टमक। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वाला, डैश हेल्प अस टू ब्रीद, ब्रीद करने में कौन हेल्प करता है, लंग्स, LUNGS इसकी स्पेलिंग है स्टूडेंट्स, लंग्स। इसके थ्रू ही हम जो हमारा जो ब्रीद है इन आउट करते हैं ना, वो इसी के थ्रू होता है, इसी की हेल्प से होता है। सिक्स्थ है, द डैश हेल्प्स अस टू स्मेल, स्मेल को किससे करते हैं हम, किसके थ्रू करते हैं, नोज के थ्रू करते हैं ना, हमें पता लगता है कि ये बड़ी अच्छी सी स्मेल आ रही है, अरे बड़ी डर्टी सी है, तो ये किससे पता लगता है, ये नोज से, स्पेलिंग होती है NOSE, नोज। इसी के थ्रू हम ब्रीथ को इनहेल आओ और एक्सहेल करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेवेंथ है हमारा, डैश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, सबसे मजबूत कौन सी है हमारे बॉडी की, टीथ, पिक में शो भी कर रखा है आपको, इसी से बहुत बड़ा हिंट मिल गया, टीथ।
स्पेलिंग लिखेंगे TEETH। एट है आपको दिया है अवर डैश इज द बिगेस्ट ऑर्गन इन अवर बॉडी एंड इट सेंस हॉट एंड कोल्ड थिंग्स, कि किसके थ्रू हमें पता लगता है कि ये चीज़ ठंडी है या गर्म है, किसके उससे पता लगता है, स्किन से। अगर हमारी स्किन को ज़रा सा टच हो जाता है हमें पता लग जाता है ना ये हॉट है या कोल्ड है कोई भी चीज़, तो स्किन से। स्पेलिंग होती है स्टूडेंट्स इसकी SKIN स्किन। ऑल राइट, तो आपके फर्स्ट टू एट हमने फिल कर लिए। अब ये जो आपको नेक्स्ट दिया वर्ड ग्रिड, इसमें देखो आपको एक कर भी रखा है सॉल्व, इसमें किडनी की स्पेलिंग को किया हुआ है स्टूडेंट्स, अप टू डाउन हो रही है ये, है ना। तो KIDNEY किडनी की पूरी स्पेलिंग मिली, इसको इन्होंने अंडरलाइन करके सर्कल करके आपको बना दिया स्पेलिंग को कंप्लीट करके, जिससे आपको क्लियरली शो हो रही है कि किडनी की स्पेलिंग है। तो स्टूडेंट्स हमने ट्विस्ट करके किया है, तो हम क्या करेंगे, अब मैंने सारे आपको ब्लैंक्स हैं फिल करवा दिए, अब आपको पता लग गया है कि कौन कौन से स्पेलिंग्स हैं। आपको इजी रहेगा ना इस वर्ड ग्रिड में से उनको आइडेंटिफाई करना। अब जैसे हमें एग्जांपल मैं दे रही हूँ स्किन की स्पेलिंग को इसमें आइडेंटिफाई करना है, तो देखेंगे आप लास्ट से फोर्थ वाली रो, लास्ट से फोर्थ देखेंगे स्टूडेंट्स तो आपको नीचे में ही दिख जाएगा। इसी तरीके से जैसे किडनी की हुई है, अप टू डाउन करेंगे तब देखेंगे SKIN स्पेलिंग क्लियरली नज़र आ जाएगी। उसको आपको इसी तरीके से लाइन करके उसे सर्कल करते हुए कंप्लीट कर लेना है, तो ये आइडेंटिफाई कर लेंगे आप। ऑल राइट, ये आपको सेल्फ करना है स्टूडेंट्स, तो आपका इसमें स्पेलिंग भी लर्न होगी, है ना। तो ये एक माइंड गेम है आपके लिए, तो ये आपको सेल्फ करना है स्टूडेंट। और इस आज आपका ये जो चैप्टर है वो एक्सप्लेनेशन विद एक्सप्लेनेशन ओवर हो गया है यहीं पे, तो हम इसका PDF सेंड कर देंगे ताकि आपने ये जो पज़ल है सॉल्व कर पाए नहीं कर पाए, तो मैं जब करूँगी PDF उसमें से आप देख लीजिएगा। वैसे ट्राई कीजिएगा आप सेल्फ करें, और इस चैप्टर को आप रीड कीजिएगा प्लस इसे लर्न भी कीजिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।